हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनोद कुमार और आप देख रहे हैं विनोद मोबाइल। दोस्तों, जैसा कि आप पिछली वीडियो में देखे थे कि हम फ़ोन को हार्ड रिसेट कैसे करते हैं, J2 मॉडल का, सैमसंग के आर मॉडल का कैसे करते हैं। तो J2 मोबाइल जो था हमारे FRP पर रुक गया है, तो हमने इसको वाईफाई से कनेक्ट किया और इसको नेक्स्ट करके आगे तो वाईफाई पे था। तो हम ये होम की है ना, होम की को 3 बार प्रेस करेंगे तो ये डायल बैक मोड में आ जाएगा। देखिए, फिर से प्रयास करते हैं, 3 बार साथ में प्रेस करेंगे तो ये डायल बैक इनेबल हो गया। इसमें यल शेप का एक आकृति टाइप का बनाएंगे, देखिए ऐसे यल टाइप का, तो ये हमारा एक खुल के आ जाएगा। तो हमको ये डायल बैक सेटिंग पर 2 बार टिक करनी है, तो ऐसे खुल के आ जाएगा। आपको नीचे सबसे आना है और नीचे टर्म एंड और टर्म ऑफ सर्विस पे क्लिक करना है। तो ये क्रोम पर जाएगा, क्रोम पर डबल टैप कर देंगे तो हमारा क्रोम खुल जाएगा। ये एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वगैरह दिख रहा है, आप इसको कर दीजिएगा। नो थैंक्स करिएगा, साइनिंग करेंगे तो फिर से वो अकाउंट मांगेगा। नो थैंक्स पर डबल क्लिक कर देंगे, नहीं होता है तो अब 3 बार होम की को प्रेस कर दीजिए और डायल बैक डिसेबल हो जाएगा। ये देखिए, डायल बैक डिसेबल हो गया। अब हम आसानी से इस पर टाइपिंग कर पाएंगे। तो गूगल अकाउंट मैनेजर आपको टाइप करना है, गूगल अकाउंट मैनेजर। इसमें 5.0 ही लगेगा क्योंकि पुराना फ़ोन है। तो अभी ऐसे फ़ोन मार्केट से ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे साथियों को भी नहीं पता है, जिनको नहीं पता है ये वीडियो उन्हीं के लिए है। अब इसको सर्च कीजिए। और देखिए, हम बहुत सारी साइट्स खुल गई हैं, आप जिससे डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। शायद मेरा वीडियो थोड़ा सा स्किप हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये ओके कर दीजिए, आपका गूगल अकाउंट मैनेजर डाउनलोड हो जाएगा। 5.01 डाउनलोड हुआ है। सेटिंग पर जाएंगे और इसको यहाँ से अननोन सोर्सेज को ओके कर देंगे, ऑन कर देंगे, उसके बाद इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद ये इंस्टॉल करके आ जाएगा। तो डन पे क्लिक करके फिर से हम उसी ब्राउज़र पर जाएंगे और वहाँ पर टाइप करेंगे यहाँ पर हम टाइप करेंगे क्यूक शॉर्टकट मेकर। वो देखिए ऊपर ही आ गया, APK लिख के इस क्लिक करेंगे। और इसको डाउनलोड कर लेंगे। जब तक खुलता है तो आप देख लीजिए, वेट कर लीजिए। दूसरे को हमने खोला है तो यहाँ से सीधा डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन फॉर एंड्रॉयड पर क्लिक करके इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए ओके कर देंगे तो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। सेकंड में ये डाउनलोड हो गया, उसके बाद हमने इसको ओके कर दिए। सेटिंग पर जाएंगे, अननोन सोर्सेस को ऑन करेंगे। इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे, इंस्टॉल होने लगेगा। उसके बाद ओपन करेंगे इसको, जहाँ पर सर्च बार पे क्लिक करके, सर्च पे क्लिक करके हम सीधा गूगल टाइप कर देंगे।
गूगल अकाउंट मैनेजर आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, टाइप ईमेल एंड पासवर्ड पर क्लिक करना है आपको। क्लिक कर देंगे एक बार तो ये ट्राई करके आएगा। ट्राई पे क्लिक करेंगे जो आपको थ्री लाइन दिख रही हैं वहाँ पर क्लिक करके ब्राउज एंड साइन इन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देना है। देखिए हमारी ये मांग रहा है ना, तो अपना जो भी नया ईमेल आईडी और पासवर्ड हो उसको डाल देंगे। उसके बाद सिंपली कुछ नहीं करना है, फ़ोन को कर देना है रिस्टार्ट। फ़ोन रिस्टार्ट हो जाएगा तो आप आसानी से इसको खोल पाएंगे। और जब तक हमारा फ़ोन रिस्टार्ट होता है दोस्तों, तब तक हमारे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हमने फ़ोन को ऑन किया और उसके बाद चेक करते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट, उसके बाद अकाउंट एडेड। देखिए यहाँ पर अकाउंट एड हो चुका है। अब नेक्स्ट करते चले जाएंगे तो हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा। देखिए दोस्तों फिनिश। आप इसको एक बार यहाँ से रिस्टोर ज़रूर कर दीजिएगा, इसको रीसेट कर दीजिएगा। सेटिंग में जा कर के अबाउट फ़ोन में जाएंगे आप, उसके बाद ये जो बिल्ड नंबर होता है इसको कई बार आप टाइप करेंगे तो डेवलपर ऑन हो जाएगा। उसके बाद ही आपको रीसेट करना है, फैक्ट्री डाटा रीसेट रीसेट कर देंगे, बस आपका काम हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।